हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी मास्टर में। दोस्तों, अभी ओप्पो ने रिसेंटली लॉन्च किया है ओप्पो A79 मॉडल। 15 से 20 हज़ार की रेंज में ये मॉडल है। तो आज इसके हम गूगल डायलर से ओप्पो डायलर, और अगर आपके पास ओप्पो डायलर है और कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं है तो उसका सॉल्यूशन भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास A79 है जिसमें गूगल डायलर है, और गूगल डायलर में आपको पता है अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो दूसरे पर्सन को पता चल जाता है कि आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है वो सामने वाले पर्सन को बता देती है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें ओप्पो का डायलर यूज़ किया है, ओप्पो डायलर इसमें डाउनलोड किया है, और इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिल जाती है। सेटिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिल जाती है, जिसमें आप सिंगल पर्सन की अगर कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं या आप हर नंबर की कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सारी ऑप्शन, सारी सेटिंग अवेलेबल है। देख सकते हैं आप, गूगल डायलर भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ओप्पो डायलर आप देख सकते हैं इस तरीके की लुक दिखेगी आपको। तो इसे डाउनलोड कहाँ से करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर आपने सर्च करना है ओ डायलर। ओ डायलर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर ओएस जो दिख रहा है, कलर ओएस ओ डायलर, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। 25 MB का ये एप्लीकेशन है, इसे हमने डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, उसे अलाउ कर देना है और सेट ऐसे डिफ़ॉल्ट कर देना है। उसके बाद ये आपका ऐसे डायलर यूज़ हो जाएगा और इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई प्रॉब्लम सॉल्व वीडियो के साथ। धन्यवाद।